जय गुरु। आज जगत जननी श्री श्री बड़ोमा की 128वां जन्मदिवस है। आज उसी जन्मदिवस पर उनके चरण में मेरे साथ साथ नमन है। आज चलिए श्री श्री बड़ोमा के बारे में कुछ सुनते हैं। श्री रामानंद प्रसाद दा लिखे हैं, पति परायणा सती नारी के विषय में हमने धर्म ग्रंथों में पढ़ा है। आज भी समाज में, खासकर भारत में, पतिव्रता स्त्री प्राचीन की तरह अधिक नहीं तो फिर भी कम नहीं, जिनके विषय में हम नहीं जानते हैं। इस युग में भी महा माननीय सीता की जैसी इस संसार में ऐसी पतिव्रता सती नारी ने पैदा लिया, जिन्हें संसार में बहुत कम ही लोग जानते हैं, जो युग पुरुष युग धर्म के मूर्त प्रतीक श्री श्री ठाकुर अनुकल चंद्र जी के संपर्क में आए हैं। उनमें से अधिकांश भक्तों ने ऐसी पतिव्रता सती नारी को देखा है। बहुतों ने उनके जीवन की राह भी है, पर मैंने भी आंखों से जो देखा है वो मैं लेखन के माध्यम से व्यक्त कर रहा हूँ। सन 1952 का दिसंबर माह कड़ाके की ठंड, जंगल से घिरा दुमका शहर के अंतिम छोर में मुखर्जी पार्क, कुछ दिनों के लिए परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने वहाँ अवस्थान किया था। उस पार्क में एक छोटा सा मकान था, जिसमें श्री श्री ठाकुर जी की धर्मांगिनी परम पूजनीय श्री श्री बड़ोमा भी रहती थी। उसके सामने एक विराट तंबू लगाया गया था, जहाँ श्री श्री ठाकुर रात्रि में शयन करते थे एवं दिन में उनके शिष्य वर्ग एवं बाहर से आए भक्तगण उनके निकट बैठकर नाना विषयों में वार्तालाप किया करते थे। उसी बीच श्री श्री ठाकुर के श्रीमुख से धारा प्रभाव अंग्रेजी एवं बंगला भाषा में अनेकों वाणियाँ निर्गत होती थी। वे बड़े वेग से बोलते जाते थे और एक अनुभवी विद्वान भक्त श्री प्रफुल्ल कुमार दास दा उनके द्वारा कथित वाणियों को एक मोटी नोटबुक में नोट कर लिया करते थे। विशिष्ट लोगों के साथ जो वार्तालाप होता था वो भी उस भक्त के द्वारा लिखा जाता था। पार्क के पूरब की ओर दो तीन खपरेल के घर थे, जिनमें शिष्य ठाकुर के पुराने भक्त रहते थे। मैं भी वहाँ एक छोटा सा घर में रहता था। मेरे साथ बिहार के कर्मी श्री चंद्रेश्वर शर्मा एवं श्री वैकुंठ प्रसाद सिंह एवं उनके परिवार के लोग भी रहते थे। एक दिन हठात मध्य रात्रि में मेरी नींद टूटी। बाथरूम के लिए जहीं बाहर निकला तो वहीं मेरी नज़र श्री ठाकुर की टेंट पर पड़ी, जो चारों ओर से घिरी थी। उस टेंट की परिक्रमा करती हुई एक महिला को देखा। तत्क्षण मेरे दिल में यह प्रश्न उठा कि इतनी ठंड की मध्य रात्रि में यह कौन ऐसी महिला है जो निर्भय होकर परिक्रमा कर रही है। आंखें फाड़कर जब देखा तो वो अन्य कोई नहीं थी, बल्कि स्वयं श्री श्री बड़ोमा थी। इस घने जंगलों में और खासकर गहरी रात में उन्हें परिक्रमा करते देखकर मैं विस्मित हुआ। सोचा कि कितना दुस्साहस है। उस समय कोई दरवाना पहरेदार के रूप में नहीं रहता था और शिष्य वर्ग में न कोई शिष्य ही जाकर पहरा देता था। वो चुपचाप रात में उठकर स्वयं अपने स्वामी की पहरेदारी करती थी। शिष्य वर्ग में किसी को भी इसी बात की जानकारी भी नहीं थी।
बाथरूम से निवृत्त होकर चुपचाप घर में आकर जब अपने बिछावन पर लेटा तो तुलसीकृत रामायण की वो बात स्मरण हो पड़ी कि जिसमें श्री राम के वनवास काल में रात्रि में जाकर जंगल में महामाननीय सीता निर्भय होकर श्री राम की पहरेदारी करती थी। सती नारी को अपने आप पर कितना भरोसा होता है और आत्मविश्वास जिसे किसी जीव जंतु से लेकर किसी दुर्जन तक से भी भय नहीं होता। तुलसीकृत रामायण जो मुझे कपोल कल्पित कहानी प्रतीत होती थी वो मुझे उस दिन सत्य प्रतीत हुई। सत्संग देवघर की एक और घटना जो मुझे स्मरण है, शिष्य ठाकुर के मंजले पुत्र पूजन्य शिष्य छोटरदा ने उत्सव काल में हिंदी नाटक का मंचन करने का कार्यक्रम बनाया। उसमें मुझे एवं श्री चंद्रशेखर शर्मा को मदद करने हेतु अभिनेताओं को हिंदी का उच्चारण सिखाने के लिए आदेश दिया। रिहर्सल में हम लोग हिंदी बोलने का उच्चारण सिखाते थे। सर्वप्रथम श्री डीएल राय द्वारा लिखित बंगला नाटक चंद्रगुप्त की अनुदित हिंदी पुस्तक लाई गई थी और सभी को हिंदी में ही अभ्यास करना पड़ता था। उत्सव आरंभ हुआ। उत्सव के प्रथम दिन ही हिंदी चंद्रगुप्त नाटक मंचन करने का कार्यक्रम बना था। हम दोनों व्यक्ति ग्रीन रूम में बैठे थे जहां अभिनेताओं को हर तरह से तैयार किया जाता था। जब सब तरह की तैयारी शेष हो गई तो पूज्यपाद छोटदा ने मुझे आदेश दिया, माँ को यहाँ ले आओ, अब नाटक आरंभ होगा। माँ के यहाँ आने के बाद ही मंचन की शुरुआत होगी। मैं वहाँ से ठाकुर बंगला में शिष्य बड़ माँ के निकट आया और पूजनीय छोटदा का आदेश कह सुनाया। परम पूजनीय बड़मा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, अब तक ठाकुर का भोग नहीं हुआ है, अर्थात भोजन नहीं हुआ है। जब तक उनका भोग नहीं होता तब तक मुझे यम भी बुलाएगा तो भी मैं नहीं जाऊंगी। भोग काल में श्री श्री बड़मा स्वयं उपस्थित रहती थी। इतना ही नहीं बल्कि रसोईया रहने के बावजूद वे स्वयं अपने आँखों से देखती थी और स्वयं भी बनाती थी। ठीक समय पर वो स्वयं आकर भोजन कराती थी। इस भाव को देखकर मैं दंग हो गया। साधारणतः बहुत सी माताओं का वयस हो जाने पर पति से बढ़कर अपने बच्चों के प्रति माया ममता अधिक बढ़ जाती है। इसलिए बहुत से घर संसार में शांति के बजाय अशांति छाई रहती है। किंतु जिस घर में पतिव्रता वो सती स्त्री है उस घर में अशांति कभी भी विराज नहीं सकती। जय गुरु।